सारे काम करेगा, यही रहेगा, इनका इलाज भर के जाएंगे, इन्हें कहने दो। कौन सा वाला इलाज दे तो राखी गोला लट्टू छुटाए कर दिखाओ। इन्हें बोलने दो, ये गाड़ी भी देंगे, इन्हें बोलने दो। फसल पर लागत ज्यादा होगी, फसल आधे रेट में बिकी, आमदनी दुगुनी होगी, उससे मास्टर जी से मिलवा दो आप हमको। जिसने गणित का सवाल जो फार्मूला काट दिया उससे अगर आपको मिलेगा तो हमें जरूर मिलवाओ उससे। लगातार 28 दिनों से अपने खेत खलियानों को, अपने छोटे बड़े बच्चों को छोड़कर किसान इस उत्तर प्रदेश और गाजीपुर के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी वो सीधा कहते हैं कि जो किसान अपने गांव में ठलुआ घूम रहा था, जिसके पास कोई रोजगार काम नहीं था, वो इस किसान आंदोलन में आ रखा है। नेताजी, ये ठलुए आ रखे हैं क्या आपके आंदोलन में? ना, ये तो खेती करें गांव में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच से, माइक से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में कहीं 150 आदमी है, कहीं 1500 आदमी है, कहीं 100 आदमी है, ये सब वो आदमी है जो गांव में ठलुआ घूम रहे थे। अच्छा, आन दो, ये गांव में होगा तो इसे बताऊंगे। हाँ, इन्हें इन्हें कहने दो, जो कुछ इन्हें कहना इन्हें कहने दो जी। हाँ, ये क्या कोई इसे भयभीत हो रहा है इन चीजों से? ये तो थोड़ा सांप से नहीं डरता, बिच्छू से नहीं डरता। सांप और किसान तो एक ही उसमें वही लौटे हैं। तुम तो इनके कैसे डरेंगे? तो उनके डगमाइल से नहीं डरता। इन्हें कहने दो जो कुछ कह रहे हैं। अच्छा, मुझे सीधे शब्दों में नेताजी एक बात बताओ, आज आपको क्या नाम है, पाकिस्तान से कितना पैसा आया? कहाँ जा रहा हो रहा यार, तो हिंदुस्तान बड़ी दे रहे हिंदुस्तान भाई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो फंडिंग आ रही है, कनाडा से भी आया कभी पैसा? यहाँ तो नहीं कोई दिखा भाई, दुआ तो हम कम से कम KCC का जब पैसा जमा कर देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड में बहुत फंस रहा किसान, तुम दुआ हो कहाँ है भाई? ये कह रहे हैं हमारा गन्ने का तो ये दे नहीं रहे जी, मतलब हमारा जो मिल वाला वो तो थोड़ा हमारे काबू आ ही नहीं रहा, कनाडा वाला आ जाएगा हमारे काबू। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे ये आंदोलन पे लगातार कह रहे हैं, बिधूड़ी जी ने कहा है कि कनाडा से और पाकिस्तान से जो फंडिंग आ रही है वो यहाँ यूज हो रही है किसान आंदोलन के अंदर, और जो ठलुआ आदमी थे जो रजाई का मजा लेने के लिए या गर्म पानी से नहाने के लिए वो किसान आंदोलन में आ रहा है। तो गर्म पानी से किसान नहा नहीं सकता क्या? सर्दी में किसान रजाई नहीं उड़ सकता क्या? यो सारे काम करेगा, यही रहेगा, इनका इलाज भर के जाएंगे, इन्हें कहने दो। कौन सा वाला इलाज है? इलाज दे तो राखी गोला लट्टू छुटा कर दिखाओ। वो गोला लट्टी बताओ तो सही कैसी नहीं है? दे तो राखी दिल्ली के चारों तरफ को निकट कर बताओ, सरकार जनता बच के जाओ बे। हाथ पांव तो ये हला नहीं सकती, और मुंह मुंह से बोल रहे की गोला लट्टी में तो आदमी मुंह से ही बोल रहे हैं और हाथ पांव उसके हलते नहीं भाई। इनको तो कम से कम हमने टेप तो नहीं लगा, इनको बोलने दो, क्योंकि जो इनके भीतर है वो इनका बाहर आन दो। शराब पी को शराब पिया दो, वो फिर सारी बात बताओगा। अच्छा टिकैत साहब, आपसे एक सवाल बड़ा ये है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता रात को 1 बजे, रात को 2 बजे और किसी भी का भी कुंडा खटखटा के उसके पैरों में गिर जाता है, लेकिन क्या 25 तारीख प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं अपने मन की बात 25 तारीख से किसानों से करूंगा, तो क्या किसान जब लगभग 24 दिनों से बिलबिला रहा है आपसे बात करने के लिए, किसान लगातार आपसे बात करने की अपील कर रहा है, तो क्या उसके लिए भी दिन निर्धारित किया जाएगा? कोई बात नहीं, इसे आन दो। हमने ये कहा है कि सरकार के दिमाग में से किसान शब्द नहीं निकलना चाहिए, इन्हें बोलने दो जी। ये गाड़ी भी देंगे, इन्हें बोलने दो, कम से कम ये किसान शब्द ना बोल लें। ये इस आंदोलन की वो है कि प्रधानमंत्री भी कह रहा, ये भी कह रहा, ये कह रहे कि ठल में किसान तो कह रहा, उन्हें कहने दो जो कुछ कह रहे हैं। इनकी जो बड़बड़ाहट सी है जी, हाँ, इन्हें करण दो, इनकी लिखट नहीं चाहवा जो कुछ इनके भीतर है। आपने कहा कि किसान शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसान भूल कहाँ रहे हैं? सरकार तो कह रही है हम तो किसान की दोगुनी आय के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये जो किसान है इसको दोगुनी आय चाहिए ही नहीं, तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए दोगुनी आय? नहीं, समझ में ये नहीं आई जी कि ये किसान खेती कर रहा जी सर, इसने बिजली का महंगा सब वो करके इसने धान उगाया अपना जी, जब ये बेचने गया तो पिछले साल के मुकाबले जो सरकार का रेट था आधे में भी क्या, फसल पर लागत ज्यादा होगी जी सर, फसल आधे रेट में बिकी, आमदनी दुगुनी होगी, उससे मास्टर जी से मिलवा दो आप हमको। जिसने गणित का सवाल जो फार्मूला काट दिया उससे अगर आपको मिलेगा तो हमें जरूर मिलवाओ उससे। हाँ, जो ये आमदनी दुगुनी करने की बात कर रहे हैं भाई, फार्मूला तो समझा दो कैसे होगा, बता दो हमें। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।
तो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने टिप्पणी किसानों पर की है उनको सीधा सीधा राकेश टिकैत का सीधा सीधा जवाब, भाई अभी आप बोलते रहो, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो गोला लाठी है, जो गोला लाठी है उससे आपका इलाज कर दिया जाएगा। अगर आप मंच से कहते हो तो किसान के गाँव में जाइए सांसद जी और वहाँ बताइए कि ठलुआ है, इन पे काम नहीं है, या ये किसान है या ये सही किसान है असली नकली, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को बताया जाएगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है, चिंता ना करें, हम यहाँ से हटने वाले नहीं, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। सरकार के दिल और दिमाग में किसान शब्द जो है वो गुनगुनाता रहेगा, कुलकुलाता रहेगा। किसान जो एकता है, किसान की जो ताकत है, वो सरकार को हम किसान बता देंगे। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, गाजीपुर दिल्ली के बॉर्डर से।